बस सतीश, मुझे तुझसे इतना ही कहना था कि अगर एक अच्छे से जॉब का इंतजाम हो जाए तो। सतीश, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। ओके ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। बाय। क्या हो रही है सब? कुछ नहीं अमित, मैं देख वीरेन, बहुत हो चुका। हाँ, बहुत हो चुका। तू ज्यादा उड़ना बंद कर। तब से देख रहा हूं कि नौकरी के लिए तलाश कर रहा है तू, और वो भी मारा मारा घूम रहा है उसके लिए। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरे साथ बिजनेस में क्यों नहीं आ जाता? बता रहा, चुप क्यों है तू? देख, मैं तुझसे कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तेरे प्यार को देखकर मुझे कहना पड़ रहा है। अमित, हमारे बड़े जो हैं आपस में तलवारें खींचे बैठे हैं। अब इन हालात में मुझे हम दोनों का साथ में काम करना ठीक नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी, तू कैसी बातें कर रहा है वीरेन? तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हम लोग आज मिले हैं। वीरेन, हमने बचपन साथ गुजारा, सारे सुख दुख साथ झेली। अरे, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। और तू देख वीरेन, वैसे भी बड़ों की बातों में मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आता। उनकी बातें मानना मैं जरूरी नहीं समझता। फिर भी अमित, वो लोग हमारे बड़े हैं, हमें कुछ। देख वीरेन, तू अपनी जिद छोड़ दे। ऑलरेडी मैंने अपने कैबिन में तेरे एक नया चेहरा रख दिया है। हम बिजनेस करेंगे तो साथ करेंगे। बस तू कल से ऑफिस आ रहा है। अमित, मुझे देख वीरेन, अगर तुझे फिर भी कोई झिझक हो रही है तो एक रास्ता और है। तू अपने लिए नौकरी तो ढूंढ ही रहा है ना? तो एक नहीं वीरेन, तू दो नौकरियां ढूंढ। एक तेरे लिए, दूसरी मेरे लिए। देख वीरेन, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि हम जब भी काम करें इकट्ठा काम करें, बाकी तेरी मर्जी। अमित, हम दोनों भाई एक साथ काम करेंगे। अमित, एक साथ काम करेंगे।